नमस्कार, मैं आपके साथ सोनाली मल्होत्रा और आप देख रहे हैं संचार। जेसी बोस विश्वविद्यालय के संचार एवं मीडिया तकनीकी विभाग द्वारा आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत राष्ट्र नायकों को नमन एक श्रृंखला शुरू की है, जिसमें हम आपको उन गुमनाम चेहरों के बारे में बताएंगे जिन्होंने देश के लिए अपनी जान न्योछावर कर दी। ऐसे ही एक नाम है वीलू नचियार, जो पहली महिला थी जिन्होंने इतिहास में आत्मघाती हमलावर बम बनाया। तमिलनाडु की अल्पज्ञात रानी वेलु नचियार अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने और जीत हासिल करने वाली पहली भारतीय शासक थी। इन्होंने स्वतंत्रता के पहले युद्ध में 77 साल पहले 1780 में ऐसा किया था। लोकप्रिय रूप से वीर मंगई बहादुर महिला के रूप में जाना जाता है। इन्होंने अपने दलित कमांडर एन चीफ कुइली के साथ इतिहास में पहली बार दर्ज की गई आत्मघाती बमबारी भी तैयार की। इनका जन्म 1730 में राजा चेला मुथु विजय राघुनाथ सेतुपति और रानी सकंडी मुथल के घर हुआ। वह एक अकेली संतान थी। शाही जोड़े ने उन्हें इस तरह से पाला जैसे एक पुरुष वारिस को पालते हैं। उन्हें घुड़सवारी, तीरंदाजी और मार्शल आर्ट जैसी वराली और सिलंबम छड़ी से लड़ने में भी प्रशिक्षित किया गया। वह अंग्रेजी, फ्रांस और उर्दू सहित कई भाषाओं में भी निपुण थी। जब वे 16 वर्ष की थी तब वेलु नचियार का विवाह शिवगंगई के राजकुमार मुथु वधु गणंतुर उदय थेवर से हुआ था। उनकी वेलाची नाम की एक बेटी थी और उन्होंने दो दशकों से अधिक 1750 से 1772 तक राज्य पर शासन किया। डिंडीगुल में ठहरते समय अंग्रेजों द्वारा अकॉट के नवाब के बेटे के साथ शिवगंगई पर आक्रमण करने के बाद वेलु नचियार के पति को मार डाला, जिसे क्लेयर कोयल युद्ध के रूप में जाना जाता है। उन्हें अपनी बेटी के साथ अपने राज्य से भागने के लिए मजबूर होना पड़ा। उन्होंने डिंडीगुल में वीरूपची से सुरक्षित आश्रय पाया और वहां 8 साल तक गोपाल नायकर के संरक्षित वन में रही। 1780 वह वर्ष था जब वेलु नचियार ने शानदार ढंग से तैयार किए गए तख्ता पलट में अंग्रेजों को बहादुरी से हराया था। उसके खुफिया एजेंडों ने पता लगाया कि अंग्रेजों ने अपना गोला बारूद कहाँ पर जमा किया था। फिर यह सब नष्ट करने के लिए एक आत्मघाती हमला तैयार किया गया। अपने दलित कमांडर एन चीफ कुइली के साथ इतिहास में पहला रिकॉर्ड आत्मघाती हमला किया। कमांडर एन चीफ कुइली ने स्वेच्छा से आत्मघाती मिशन को अंजाम देने के लिए काम किया। उसने खुद को घी में डुबोया और गोला बारूद की दुकान में कूदने से पहले खुद को आग लगा ली, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। अंग्रेजों पर जीत हासिल करने के बाद वेलु नचियार ने एक दशक तक शिवगंगई साम्राज्य पर शासन किया। 66 वर्षीय बहादुर रानी का 1796 में उनके प्रिय राज्य शिवगंगई में निधन हो गया। वह दिल की समस्याओं से पीड़ित थी और उनका इलाज फ्रांस में भी किया गया था। 31 दिसंबर 2008 को उनकी याद में एक डाक टिकट जारी किया गया। पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय जे जय ललिता ने 18 जुलाई 2014 को शिवगंगई में वीर मंगई वेलु नचियार स्मारक का उद्घाटन किया और रानी की 6 फीट की कांस्य प्रतिमा भी लगवाई। साथ ही ये घोषणा की गई कि 3 जनवरी को निडर रानी की जयंती के रूप में मनाया जाएगा। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत राष्ट्र नायकों को नमन श्रृंखला में आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए संचार। जय हिंद।